जनपद के सभी ब्लॉकों पर 18 अप्रैल से 23 अप्रैल तक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि सोमवार से ब्लॉक स्तरीय एक सप्ताह का स्वास्थ्य मेला लगेगा, जो कि जिले के 19 ब्लॉकों पर लगेगा, जिसमें सभी चिकित्सक की सुविधाओं को जनता को उपलब्ध करवाया जाएगा। इस मेले में 10 अलग अलग प्रमुख विभाग के स्टॉल भी लगेगा, जिससे कि ऐसी जगह पर जनता को 10 विभागों की योजनाओं की जानकारी दी जा सके। सीएमओ ने कहा कि सोमवार को 4 ब्लॉक में स्वास्थ्य मेला लगेगा, उसके बाद हर दिन 3-3 ब्लॉकों पर 23 तारीख तक मेला लगेगा, जिसका उद्घाटन जिले के सांसद और विधायक अलग अलग दिन करेंगे। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि स्वास्थ्य मेले का अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर लाभ उठाएं, जिससे कि सभी लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंच सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, कल से ब्लॉक स्तरीय एक सप्ताह का मेला लगेगा, जिसमें जनपद के जितने भी 19 ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक पर मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समस्त चिकित्सीय सुविधाओं के साथ साथ जितने भी 10 प्रमुख विभाग हैं, उन विभागों के सहयोग से मेला लगाया जाएगा, जिससे कि एक छत के नीचे जनपद में जितनी भी सुविधाएं हैं सबका जानकारी आम जनता को मिल सके और इसके साथ साथ उच्च गुणवत्तापूर्ण चिकित्सीय सुविधा का हो सके। गोरखपुर की बात अगर करते हैं तो पहले दिन 4 ब्लॉक में मेला लगेगा, उसके बाद जो है 23 तारीख तक जो है प्रत्येक दिन जो है 3-3 ब्लॉक पर मेला लगेगा, जिसका उद्घाटन जो है माननीय सांसद और माननीय विधायक और हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा, जिसकी पूरी तरह से बृहद तैयारियां चल रही हैं और कल से हम लोग ये मेला करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से गोरखपुर निवासियों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि बढ़ चढ़ करके मेले में हिस्सा लें, मेले का भागीदार बने और विकास के पथ पर गोरखपुर को आगे ले जाने में अपना सहयोग प्रदान करें। सर, मेले का उद्देश्य क्या है? मेले का उद्देश्य यह है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रचार प्रसार करना, इसके साथ ही समाज कल्याण की जितनी भी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का विस्तार देना। सर, कितने तारीख तक ये मेला जो है कल 18 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक लगेगा।